हाय फ्रेंड्स मैं प्रतीक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह से श्रीलंका जो है वो अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है देश में फूड और फ्यूल प्राइसेज स्काई रॉकेट हो चुके हैं और फॉरेक्स यानी कि फॉरिन एक्सचेंज जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है श्रीलंका को जितना डेट चुकाना है उसका आधा भी फॉरेक्स जो है उनके पास नहीं बचा है पीछे आप देख सकते हैं श्रीलंका के लोग जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जो डेली यूज की जो वस्तुएं हैं उनके लिए भी उनको लंबी लंबी कतारों में लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है इसी बीच इंडिया ने एक पड़ोसी मुल्क एक एली कंट्री मित्र देश होने के नाते श्रीलंका को हेल्प करने का अनाउंसमेंट कर दिया है मॉनेटरी हेल्प यानी के पैसे के तौर पर या पैसे के रूप में हेल्प करने का अनाउंसमेंट कर दिया है मेरे पीछे आप जिन व्यक्ति को देख रहे हैं ये इंडिया के हाई कमिश्नर है श्रीलंका के इंडिया की तरफ से श्रीलंका में जो हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं गोपाल वागले साहब इन्होंने भी जो है अनाउंसमेंट किया है श्रीलंका के जो फिनेंस मिनिस्टर है बसिल राजपक्षे वो इंडिया आके गए हैं मदद की गुहार लगा के गए हैं हेल्प मांग के आए हैं और इंडिया ने जो है अल्टीमेटली डिसाइड कर दिया है कि इंडिया श्रीलंका को इस क्राइसिस से गुजरने के लिए जो है मदद करेगा आर की तरफ से और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 900 मिलियन डॉलर्स की जो हेल्प है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी या करवाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि 900 मिलियन डॉलर की हेल्प करेंगे अब ये जो 900 मिलियन डॉलर्स हैं इसके दो कंपोनेंट्स हैं दो तरीके से इंडिया श्रीलंका को हेल्प कर रहा है उसका जो टोटल सम आएगा दैट विल बी नाइन मिलियन डॉलर तो वन बाई वन हम जो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अब ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है टेक्निकल चीज है मैं इसको आप लोगों के लिए इजी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बेसिकली एक एग्रीमेंट था जो 2012 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था सार्क कंट्रीज के लिए सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हिंदी में दक्षिस कहलाता है जो दक्षिण एशियाई देशों का समूह है टोटल आठ कंट्रीज है आठ देश हैं सार्क में सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में यह सार्क के आठ कंट्रीज हैं इंडिया जो सबसे पावरफुल सबसे बड़ा देश है सार्क का अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका मॉलदीव्स नेपाल भूटान और बांग्लादेश ये टोटल आठ देश हैं तो इन आठ कंट्रीज के लिए या इंडिया को अगर अलग कर दें तो इंडिया ने बाकी के सात कंट्रीज के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट डिक्लेयर किया था 2012 में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत आरबीआई ने अनाउंस किया था कि हम दो बिलियन डॉलर्स की हेल्प देंगे सार्क नेशंस को बिलियन बिलियन डॉलर डॉलर इन फॉर्म ऑफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और ये $2 हर कंट्री का इंडिविजुअल नहीं है सारे के सारे सात जो देश हैं इंडिया के अलावा उन सबको मिला के दो बिलियन डॉलर की हेल्प दी जाएगी हर कंट्री का अलग शेयर फिक्स था और इसमें श्रीलंका का शेयर था चार मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप में होता क्या है जैसे मान लीजिए श्रीलंका में किसी भी तरीके का लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया तरलता की कमी आ गई पैसा नहीं है बीओपी क्राइसिस आ आ गया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान के संतुलन का क्राइसिस फॉरेक्स रिजर्व नहीं नहीं आपके पास फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा नहीं है ऐसी स्थिति में आप करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत चार मिलियन डॉलर की हेल्प आरबीआई से मांग सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो आपको फोर मिलियन डॉलर दे देगा और बदले में आप जो है एक साल बाद ब्याज समेत विथ इंटरेस्ट आरबीआई को पैसा दोगे वो श्रीलंकन रूपी में चुकाया जाएगा आप लोन ले रहे हो डॉलर में चुका रहे हो आप अपनी खुद की करेंसी में तो इंडिया का भी फायदा है आपको लोन मिल रहा है श्रीलंका को भी फायदा है बिकॉज उनको जो है इंटरनेशनल मार्केट से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता उसके कंपेरिजन में काफी सस्ता लोन मिल जाता तो दोनों कंट्रीज का फायदा है ध्यान रहे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मेनली लिक्विडिटी क्राइसिस या फिर बीओपी क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए किया जाता है जो इंडिया की तरफ से किया गया तो अभी श्रीलंका ने जो है काफी बार पहले इंडिया से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत पैसा ले रखा है वापिस चुका भी दिया है अब श्रीलंका ने वापिस पैसे मांगे हैं चार मिलियन डॉलर और इंडिया ने जो है एग्री कर दिया कि हम आपको इस एग्रीमेंट के अंदर 400 मिलियन डॉलर्स की हेल्प दे रहे हैं तो टोटल 900 मिलियन डॉलर्स की हेल्प थी 400 मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत आ गए बाकी के 500 मिलियन डॉलर की हेल्प कैसे हुई है तो वो समझे श्रीलंका जो है उसको इस साल 2022 में इंडिया को 500 मिलियन डॉलर का पेमेंट करना था चुकाना था उन्होंने लोन ले रखा था डेट ले रखा था वो पे करना था मगर क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं फॉरेक्स बिल्कुल भी नहीं है अब तो पूरा पब्लिक डोमेन में आ चुका है श्रीलंका की इकोनॉमी की क्या हालत है देश में इमरजेंसी वगैरह चल रही है तो उन्होंने इंडिया से अपील किया था कि कुछ टाइम के लिए जो 500 मिलियन डॉलर का हमारा डेट है उसको क्या कर दिया जाए माफ कर दिया जाए ये जो 500 मिलियन डॉलर का डेट है श्रीलंका के ऊपर वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है ए सी यू एशियन क्लियरिंग यूनियन उसके तहत श्रीलंका जो है उसको इंडिया को पैसा देना था अब ये क्या है इसको समझते हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन बेसिकली 1974 में स्टेब्लिश किया गया एक यूनियन है जिसमें एशिया के नौ कंट्रीज इसमें शामिल हैं इसके मेंबर हैं और इसका हेड क्वार्टर है ईरान के कैपिटल तेहरान में ए को स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यू एन एस्केप यू एन ई एस सी ए पी एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक उसने इसको स्टैब्लिश किया है अब ये होता क्या है जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में जो है मल्टीलेटरल पेमेंट्स करें बहुपक्षीय भुगतान करें देश आपस में उधार लें उधार चुकाएं पेमेंट्स करें ये सारा कुछ इसके थ्रू हो जाता है तो इसके थ्रू होने से काफी सारे फायदे हैं आपस में ट्रेड बढ़ जाता है व्यापार बढ़ जाता है आपस में पैसों को ट्रांसफर करने की कॉस्टिंग कम आ जाती है यानी कि कुल मिला के सारे मेंबर कंट्रीज को फायदा है तो इसी के तहत श्रीलंका ने इंडिया से काफी कुछ उधार लिया होगा उसका टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू बनता है वो 500 मिलियन डॉलर बन रहा था और इस साल 2022 में श्रीलंका को वो पैसा इंडिया को पे करना था वापस चुकाना था मगर श्रीलंका ने इंडिया से अपील किया हमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए टाइम दिया जाए और इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी इस अपील को मान लिया है और 500 मिलियन डॉलर पैसा जो है उसका पेमेंट डेफर कर दिया डेफर यानी कि आगे सरका दिया है इंडिया ने श्रीलंका को टाइम दे दिया है कि आप अपनी स्थिति सुधारी है उसके बाद जो है यह पैसा आप आराम से चुका सकते हैं तो फोर मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंडर इंडिया ने श्रीलंका को दिए हैं और फाइव मिलियन डॉलर एसीयू एशियन क्लियरिंग यूनियन के अंडर जो श्रीलंका को इंडिया को पे करने थे वो इंडिया ने डेफर कर दिया अब ध्यान रहे ये हम सारी कुछ जो बात कर रहे हैं ये सारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर आता है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और डिप्लोमेसी जो है वो इतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी लगती है बातचीत में डिप्लोमेसी गिव एंड टेक एक हाथ से दे और एक हाथ से ले इस तरीके का मैटर है तो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की है तो बदले में इंडिया भी श्रीलंका से कुछ मांगेगा और इंडिया ने श्रीलंका के साथ क्या है एग्रीमेंट किया है तो श्रीलंका में एक ऑयल फील्ड एक ऑयल रिजर्व है यहां पे आप देख सकते हैं ऑयल रिजर्व इसको जॉइंटली डेवलप करेंगे इंडिया और श्रीलंका यह एग्रीमेंट हुआ है इन सारे पेमेंट्स को माफ करने के बदले में मॉनेटरी हेल्प के बदले में यह एग्रीमेंट किया गया है ट्रिंको माले ऑयल रिजर्व श्रीलंका के आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ऑयल रिजर्व है चाइना बे ये एरिया जो है यह चाइना बे कहलाता है जहां पे लोकेटेड है इंडिया जो है वो श्रीलंका के साथ मिलकर इसको जॉइंटली डेवलप करेगा अब यह क्या है और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं ट्रिंकोम ऑयल रिजर्व बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश फोर्सेज ने डेवलप किया था वर्ल्ड वॉर में इनका रिफ्यूलिंग स्टेशन था यानी कि यहां से खुद के जो फाइटर प्लेन्स या जो भी हैं उनके अंदर ये ऑयल जो है ब्रिटिश आर्मी वो फिल करती थी तब से ये खाली पड़ा है खंडर हो चुका है तो इसको रीडेवलप करने की जरूरत है वापस यूज करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ जो एक एग्रीमेंट किया था इसको जॉइंटली डेवलप करने का मगर विद द टाइम आज 35 साल हो गए वो एग्रीमेंट आगे सरकता गया चाइना श्रीलंका के ज्यादा करीब आ गया इंडिया श्रीलंका के दूर होता गया लिट्टे ने बीच में राजीव गांधी साहब की हत्या कर दी और भी काफी कुछ हो गया चाइना ने हम्बन पोर्ट जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो डेवलप कर दिया तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे मधुर नहीं थे इसलिए एग्रीमेंट कभी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया अब वापिस एक मौका मिला इंडिया को अपने आसपास वाले कंट्रीज में वापिस एक तरीके से दोस्ती को आगे बढ़ाने का तो उसी के तहत ट्रिंकोमाले ऑयल रिजर्व ये इसका नाम है ट्रिंकोमाले ऑयल रिजर्व इसको इंडिया श्रीलंका जॉइंटली डेवलप करेंगे इंडिया क्यों डेवलप करना चाहता है तो समझें ऑयल रिजर्व ये इतना बड़ा ऑयल रिजर्व है यहां पे टोटल निन्यानवे ऑयल टैंक्स यहां पे बने हुए हैं और एक ऑयल टैंक में बारह हजार लीटर का ऑयल जो है वो रिजर्व रखा जा सकता है यानी कि स्टोर किया जा सकता है टोटल 99 और एक में बारह हजार लीटर तो आप इसकी कैपेसिटी का अनुमान इसी से लगा सकते हो इंडिया क्यों चाहता है बिकॉज ऑयल जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं ठीक है ऑयल की जो प्राइसेज है वो हाईली वॉलेटाइल होती है वॉलेटाइल का मतलब ऑयल प्राइसेज बहुत फटाफट ऊपर नीचे होती रहती है कभी बहुत कॉस्टली हो जाएगा कभी बहुत नीचे आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में हर कंट्री ये चाहता है कि जो ऑयल जब सस्ता हो तब तो वो उसको खरीद ले और खरीदने के बाद कहीं रिजर्व तो करने की आपके पास जगह होनी चाहिए वरना खरीद के करोगे क्या तो ये रिजर्व इंडिया बनाना चाहता है इससे फायदा होगा आगे जाके जब ऑयल कॉस्टली होगा तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा बल्कि आप इस रिजर्व से ऑयल को सेल कर सकते हो मार्केट में फॉरेक्स को कमा सकते हो और या फिर कभी इंटरनेशनली कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि ऑयल इंपोर्ट में दिक्कत आए तो ये रिजर्व जो है आपको हेल्प करते हैं तीन महीने छह महीने जो भी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग क्या बिना इम्पोर्ट के भी चल सको तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ऑयल रिजर्व इजीली एक्सेबल भी है इंडिया से ज्यादा दूर भी नहीं है सीधा आप देख सकते हो ये रामेश्वरम हमारा और यहाँ पे ऑयल रिजर्व है तो आप इजीली यहाँ पे पहुंच भी सकते हो इसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन रीजन में है हिंद महासागर के क्षेत्र में है उस रीजन में इंडिया जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना ऑलमोस्ट सब जगहों पे बंदरगाह और सड़क का निर्माण कर रहा है यानी कि पोर्ट्स और रोड्स का कंस्ट्रक्शन करता है कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर उसको काउंटर करने के लिए इस तरीके की चीजें इंडिया को करनी पड़ती है तो इंडिया ने श्रीलंका को जो 900 मिलियन डॉलर्स का हेल्प दिया है उसके बदले में क्या लिया है ट्रिंकोमल ऑयल रिजर्व को ज्वाइंटली डेवलप करेंगे और इंडिया इस ऑयल रिजर्व को यूज करेगा जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश आर्मी ने डेवलप किया था टू टू यूज इट एज देयर रीफ्यूलिंग स्टेशन तो ये है श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस और किस तरह से इंडिया जो है वो श्रीलंका की हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है श्रीलंका ने चाइना से भी हेल्प मांगी है उन्होंने आईएमएफ से भी बेल आउट पैकेज के लिए कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो संस्था है और साथ ही साथ इंडिया के पास भी आया बिकॉज इंडिया एक नेबरिंग कंट्री और इकोनॉमिकली श्रीलंका से बहुत आगे कोसो आगे हम लोग श्रीलंका से तो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसके तहत हम श्रीलंका को हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चल रहा है और वहां जो कुछ स्थिति हुई है वो क्यों हो गई है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें आपको पूरा का पूरा मैटर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो उम्मीद करता हूं इंडिया श्रीलंका को जिस तरह से हेल्प कर रहा है वो सारा पॉइंट्स जो है मैंने आपके सामने क्रिस्टल क्लियर करके रख दिए हैं धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी